नमस्कार दोस्तों, को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबू टेक में। टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में दी हुई बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में Xiaomi Mi A1 के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप Xiaomi के यूजर हैं तो ये आपके लिए दुख की खबर है कि Xiaomi ने अपने डुअल कैमरा फोन Mi A1 का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। दोस्तों जैसे आपने भी सुनी हुई ये न्यूज, दोस्तों परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सच क्या है। Xiaomi के डुअल रियर कैमरे वाले स्मार्टफोन Mi A1 की बिक्री भारत में बंद हो गई है। Mi होम और Mi के ऑनलाइन स्टोर किसी भी स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसे लेकर अफवाह चल रही थी कि कंपनी ने Xiaomi A1 को बंद कर दिया है, लेकिन Xiaomi ने अपनी तरफ से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल Mi A1 स्टॉक में नहीं है, लेकिन जल्द ही हम इसे उपलब्ध कराएंगे। Mi A1 में आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन भी है। वहीं फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें दोनों ही कैमरे 12 मेगापिक्सल के हैं। वहीं कैमरे में आपको 3.0 ब्यूटी मोड दिया गया है। इसके अलावा फोन में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है। Mi A1 में Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं बैटरी बैकअप के लिए 3080mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि फोन हीट नहीं होगा। वहीं Mi A1 के प्राइस की बात करें तो वैसे तो फोन का प्राइस 14,999 रुपए था, लेकिन अब इस फोन को 13,999 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों बस ये थी फोन की स्पेसिफिकेशन। दोस्तों साथ ही आपको बता दें 25 अप्रैल को चीन में Xiaomi का एक इवेंट होने वाला है। Xiaomi अपने स्मार्टफोन Mi A2 को लॉन्च कर सकती है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। ऐसी ही टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।